कहानी होता है ना उसमें अगर हीरो नहीं हो तो वो वाली कहानी अधूरी होता है। इसी तरह पोकेमोन में बहुत सारे हीरोज है लाइक एश, रेड, एचन, ब्रैंडन, लूकस, नेज, हिलबर्ट, कैलेब और सन। हाँ सॉरेशिन का जो मतलब यार कैरेक्टर होता है ना प्रोटैगनिस्ट, तो वो मुझे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता, ठीक है, और उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, तो उसमें तुम नहीं। बट ये सब जो हीरोज है इसमें अल्ट्रा मेगा हीरो कौन है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो कौन है यार? तुम्हारा फेवरेट बहुत सारे हीरोज होंगे इसमें से, तो मैं सब कुछ जानना है कि मतलब सबसे ज्यादा टैलेंटेड हीरो कौन है, वो तुम्हारा फेवरेट हो सकता है, ठीक है। इसलिए वीडियो में बने रहो पूरे लास्ट तक, तुम देखो तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा पूरे वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट यो। ठीक है, तो ऐश का पिकाचू वर्सेस रेड चार्जर, अगर लगता है कि पिकाचू जीत गया तो नो विकाउट रेड कैन मेक आई बॉल एंड देन उसे इलेक्ट्रिक अटैक नॉन रेजेंसी हो जाएंगे, तो यू नो ना विनर इज रेड। इट्स डेफिनेटली जॉन एंड ब्रेंडन स्किप टाइल, सिंपल मैं मेक करूंगा मेगा स्किप टाइल को मेगा इवॉल्व एंड इट्स गोना बी ड्रैगन टाइप आल्सो, सो विनर इज ब्रेंडन। लुकास रोटेरा वर्सेस हिलबर्ट ओशावर्ट, ठीक है, इसका लास्ट नेम क्या होता है भाई मुझे नहीं मालूम, तो मैं यार शो उसका लास्ट ये मैं बोल देता हूँ, ठीक है, याद नहीं किया है मेरे को, बट विनर इज लुकास। नेट एमरो वर्सेस कैलम ग्रीनिंजा, तो गाइस कैलम इज विनर एंड अब नेक्स्ट ट्राई होएंगे जो तो उसके मतलब उसमें मैं रेड को ऑटोमेटिक भेज दूंगा अगले राउंड में, बिकॉज अब हमारे पास 5 बच्चे, ठीक है, तो इसलिए और बैटल लिस्ट है सन वर्सेस ब्रेंडन, लुकास वर्सेस कैलम। तो सन का इंसिडेंट वर्सेस ब्रेंडन स्केप टाइल मेगा इवॉल्व और अब तो लगता है कि स्केप टाइल जीत गया तो नो बिकाउज इंसिडेंट रोड कैन लर्न आउटरेज टू एक ड्रैगन टाइप मूवर, सो यू नो ना विनर इज सन। And now Lucas Trotter versus Kalman Greninja. Of course, winner is Lucas. And now 3 बचे हैं तो simply Lucas को automatic final में भेज दिया जाएगा। और हाँ, अब जो होने वाला Suns Incineroar versus Red Charizard, तो guys ये बहुत intense match होने वाला है, because अगर guys Charizard Mega Evolve हुआ, ठीक है, तो वो भी होगा Dragon type और Incineroar का वो क्या बोलते हैं उसका नाम Dragon type move जो है, वो उसमें super match हो जाएगा। But twist ये है कि चार्जर कैन लर्न सेस्मिक टोस एंड सबमिशन, जो दोनों फाइटिंग टाइप मूव्स है, तो और तुम्हें मालूम होगा कि इंसिनेरोर डार्क टाइप भी है, तो यू नो तो अभी मतलब ड्रॉ ही हुआ है, बट यू नो आई थिंक ये रेड जीतेगा, पता है क्यों? बिकॉज उसके पास मेगा एवोल्यूशन का भी तो पावर है और इंसिनेरोर मेगा एवोल्व नहीं हो सकता है। हाँ जी पावर का मैंने दिया हुआ नहीं है इसमें, तो ये इजी पावर एलो नहीं है, तो इसलिए या अवर रेड विनर। तो गाइस तुम्हें मालूम चल गया होगा कि फिनाले इज बिटवीन लुकास ट्रॉटर एंड रेड चार्जर, भाई इसमें तो भाई लिटिल लिटिल रेड जीत जाएगा, मतलब चार्जर को मेगा एवोल्व करने का जरूरत नहीं, अगर करेगा भी नहीं मेगा एवोल्यूशन तभी उस पर ग्रास टाइप हमला जो होता है वो तो भाई 4 टाइम नॉट इफेक्टिव होगा, और ग्राउंड टाइप जो हमले होते हैं हाँ वो गाइस वो ना वो अफेक्ट ही नहीं करेगा, हाँ लेकिन वो स्टोन इज जरूर इस्तेमाल कर सकता है, उन्होंने तो इसलिए जाएगा फिर से मेगा एवोल्यूशन के लिए। और या आवर विनर इज रेड, मेरा फेवरेट है यार रेड, रेड भाई बहुत ज़्यादा सही वाला कैरेक्टर है, तो या सबसे स्ट्रांग हीरो है मतलब अल्ट्रा मेगा हीरो है हमारा रेड। तो फिर हमारा क्वेश्चन था वो इज बेस्ट पोकेमॉन हीरो, तो उसका आंसर है रेड, उसका पूरा नाम क्या था रेड अकाई क्या या यही होता है मांगा मैं, ठीक है, ऐसे भी जो मेरा ही जलवा मेरा ही जल्द तुम्हें और देता हूँ भाई जल्दी आने वाले, तब तक के लिए हमारे साथ रहो यार अपना भाई समझो मेरे को। और यार यही बात है आज के वीडियो में, इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चला बाय बाय एंड खुश रहो ऐश करो और हाँ बाय बाय या गाइस बाय बाय बॉयज, मिलते हैं अगले वीडियो में, चला।